नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जदयू का बीजेपी से मोह भंग, नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। नालंदा विश्वविद्यालय ने वापस पाई अपनी खोई हुई गरिमा, 800 साल बाद पढ़ाई हुई शुरू। रेलवे ग्रुप डी ने जारी किया एग्जाम सिटी डिटेल्स। सीतामढ़ी जिले के भिट्ठा बॉर्डर से पकड़ी गई पाकिस्तानी लड़की। एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। अब चली बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जदयू का बीजेपी से मोह भंग, नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच आखिरकार नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया है। उन्होंने आज 3:45 के आसपास राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा पत्र सौंपा। इससे पहले जदयू के विधायकों और सांसदों से नीतीश कुमार ने सुबह 11 के आसपास बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बताया कि कैसे बीजेपी ने उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की, जदयू के खिलाफ साजिश रची गई। इसके पहले नालंदा से सांसद कौशलेंद्र ने यह दावा किया था कि जदयू के विधायकों को भाजपा की ओर से तोड़ने के लिए प्रलोभन भी दिया गया है। मॉडल डेट से बिहार में 80,000 दस्तावेजों की हुई रजिस्ट्री। बिहार में पिछले 8 महीनों में जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की नई तकनीक मॉडल डीड के माध्यम से करीब 80,000 दस्तावेजों का निबंधन कराया गया है। दरअसल मॉडल डीड की सुविधा से आवेदकों को जमीन के दस्तावेज तैयार करने या उसका निबंधन कराने के लिए कागज कलम की जरूरत नहीं पड़ती है। आवेदक खुद ही ऑनलाइन अथवा इन कार्यालयों में बने मे आई हेल्प यू काउंटरों पर बैठे कर्मियों की सहायता से दस्तावेज तैयार कराकर उनकी रजिस्ट्री करा लेते हैं। वहीं बिहार के 4 बड़े शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और जिले के अवर निबंधन कार्यालयों में 1 सितंबर से तमाम दस्तावेज जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री मॉडल डीड के माध्यम से ही होगी। निबंधन विभाग ने मॉडल डीड की सुविधा से इस वित्तीय वर्ष के लिए 5,500 करोड़ रुपए राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके विरुद्ध 2,372.98 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली वित्तीय वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में हो चुकी है। आज अधिकतर छोटे बड़े अस्पतालों में ओपीडी सुविधा रही ठप। मुहर्रम को लेकर आज राज्य के अधिकतर बड़े छोटे अस्पतालों में ओपीडी सुविधा बंद रही। इन अस्पतालों में एम्स, आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, एनएमसीएच समेत सभी बड़े और छोटे अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों की ओपीडी सेवा बंद रही। हालांकि राजधानी पटना के बड़े अस्पतालों को 24 घंटे इमरजेंसी सेवा के साथ ऑपरेशन थिएटर तैयार रखने को कहा गया है। इसके लिए डीएम और एसएसपी के आग्रह पर सिविल सर्जन डॉक्टर के राय ने होली के प्रबंधक पीएमसीएच, एनएमसीएच, गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के चिकित्सा अधीक्षकों को पत्र लिखा था। हालांकि इस दौरान भी इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध होंगी। उत्तर बिहार में साल 1978 जैसा दिख रहा बाढ़ का मंजर। उत्तर बिहार की नदियां उफान पर हैं, खासकर बगहा और मुजफ्फरपुर की नदियां। बगहा में गंडक के कटाव के चलते ठकराहा प्रखंड की मोतीपुर पंचायत के हड़क टोला और शिवपुरी मुशहरी गांव के आधा दर्जन घरों के नदी में समा जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है। यही नहीं, कटाव निरोधक कार्य बेअसर साबित हो रहे हैं। भयभीत ग्रामीण अपना आशियाना खुद उजाड़ रहे हैं, उसकी ईंटें सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं ताकि आगे घर बनाने में इस्तेमाल किया जा सके। ग्रामीण बताते हैं कि बाढ़ से ऐसी स्थिति साल 1978 में हुई थी, इस साल नदियों की चाल वही दिख रही है। नालंदा विश्वविद्यालय ने वापस पाई खोई हुई गरिमा, 800 साल बाद पढ़ाई हुई शुरू। इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय ने अपनी खोई हुई गरिमा वापस पाने की कोशिश में है। आपको यह जानकर बेहद खुशी होगी कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार फिर से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। यहाँ विदेशी छात्र छात्राओं ने भी नामांकन लिया है। आपको बता दें कि सोमवार को विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हुआ। विश्वविद्यालय की कुलपति सुनैना सिंह ने इसको लेकर कई जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रोग्राम तो इसी कैंपस से 2019 से चल रहे थे, लेकिन 800 साल बाद अब छात्र नालंदी की धरती यानी नालंदा में ही रहेंगे। इंटरनेशनल फैकल्टी भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। एमबीए प्रोग्राम में 100% प्लेसमेंट भी है। मैं भी गर्व महसूस कर रही हूँ कि 800 साल बाद एक बार फिर से पढ़ाई शुरू हुई है। रेलवे ग्रुप डी ने जारी किया एग्जाम सिटी डिटेल्स। 17 अगस्त से शुरू होने वाले रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी लेवल 1 परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर दी है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी डिटेल्स आज 9 अगस्त 2022 को सुबह 10 बजे से रेलवे की विभिन्न वेबसाइटों पर जारी कर दी गई है। आपको बताते चले कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी लेवल 1 परीक्षा के एडमिट कार्ड 13 अगस्त 2022 को जारी करेंगी। इसके बाद ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त से 25 अगस्त 2022 तक किया जाएगा।
अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए महिलाएं आज से करें आवेदन। अग्निपथ योजना के तहत आज से महिला अग्निवीरों की बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिला अभ्यर्थी इसके लिए आज से यानी 9 अगस्त से 7 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस की दानापुर भर्ती कार्यालय की ओर से 26 अक्टूबर को भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दानापुर के भर्ती निदेशक कर्नल तजेंद्र सिंह ने बताया कि रैली में 1.6 किलोमीटर दौड़, 10 फीट लंबी कूद और 3 फीट ऊंची कूद के साथ शारीरिक स्वास्थ्य जांच की जाएगी। दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना। मौसम विभाग पटना ने दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज देर शाम तक इन जिलों में बारिश की प्रबल संभावना है। वहीं आज सुबह से हवाओं की चाल बढ़ी हुई है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में सुबह से अलग अलग स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश भी देखी जा रही है, जिसमें बक्सर, भोजपुर, पटना, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, बांका जिला शामिल है। बिहार के डाकघरों से अब तक बिके 2.5 लाख तिरंगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वो इससे पता चलता है कि डाक विभाग ने 1 अगस्त से तिरंगा की बिक्री शुरू की थी और अभी तक बिहार के डाकघरों में 2.5 लाख तिरंगा बिक चुका है। वहीं 50,000 के आसपास से तिरंगा शेष बचा हुआ है। तिरंगे की तेजी से हो रही बिक्री को देखते हुए डाक विभाग ने 2 लाख तिरंगे का और भी ऑर्डर दिया है। आपको बताते चले कि डाकघर में ऑनलाइन और ऑफलाइन एक व्यक्ति को अधिकतम 5 झंडा दिया जा रहा है। वैसे किसी संगठन और अन्य सामाजिक संगठन जिन्हें 100 या 1000 की संख्या में तिरंगा की आवश्यकता है, उन्हें भी दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा एनटीपीसी ने 50,000 तिरंगा खरीदा है। सीतामढ़ी जिले के भिट्ठा बॉर्डर से पकड़ी गई पाकिस्तानी लड़की। भारत नेपाल सीमा पर स्थित सीतामढ़ी जिले के भिट्ठा बॉर्डर से बीते दिन एसएसबी के जवानों ने एक पाकिस्तानी लड़की को पकड़ा है। पाकिस्तानी लड़की के साथ 2 और भी युवक थे, जिसमें एक युवक नेपाल का और दूसरा हैदराबाद का था। एसएसबी के अधिकारियों द्वारा लगातार इनकी पूछताछ की जा रही है। एबीपी न्यूज के हवाले से अब तक की पूछताछ में यह पता चला है कि युवती पाकिस्तान से दुबई के रास्ते नेपाल पहुंची थी। इसके बाद नेपाल से भिट्ठा बॉर्डर होते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही थी। लड़की के पास से प्राप्त वीजा के अनुसार उसे 4 सितंबर 2022 तक पाकिस्तान लौट जाना है। भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने की उसकी क्या मंशा थी, 15 अगस्त के एंगल से भी पूछताछ हो रही है। सीआरपीएफ का दावा 5 जिलों में हो चुका है नक्सलियों का सफाया। सीआरपीएफ ने दावा किया है कि बिहार से नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। सरकार की नीतियों की वजह से अब नक्सलियों के पांव उखड़ चुके हैं। हालांकि अभी भी कई नक्सली रडार पर हैं। दरअसल राजधानी पटना में सीआरपीएफ जवान ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि बिहार के 5 जिला जो खासकर नक्सली प्रभावित हुआ करता था और नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, चक्रबंदा जो कि गया और औरंगाबाद जिले में है, वहां कभी इनकी तूती बोलती थी, लेकिन अब उन इलाकों में नक्सलियों का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है। यही नहीं, जहां इन लोगों का गढ़ हुआ करता था वहां अब कोबरा बटालियन के द्वारा अपना कैंप स्थापित कर लिया गया है। नीतीश कुमार के मंत्री ने कहा, सिर्फ सत्ता के साथ ही रहें आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह पर तीखा वार किया है। श्रवण कुमार ने आरसीपी सिंह पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाने से पहले आरसीपी सिंह शायद यह भूल गए हैं कि नीतीश कुमार की दया से ही पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों के साथ सांसद और मंत्री बने। आरसीपी सिंह संघर्ष के नहीं, सत्ता के साथ ही रहे। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह कभी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं रहे। वो वर्ष 2010 में आईएएस अधिकारी से इस्तीफा देकर सीधे राज्यसभा सांसद बनाए गए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को दी बड़ी सलाह। बिहार की राजनीति में उथल पुथल जारी है। भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक पार्टियों में सत्ता को लेकर हलचल मची हुई है। इस बीच देश के बड़े राजनीतिकारों में से एक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कही है। पीके ने कहा कि जनता ने आप पर भरोसा किया तो आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। जिस गठबंधन के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, आज उसी के साथ जाएंगे तो बेहतर होगा कि आप फिर जनता के बीच जाकर मैंडेट लें। पीके ने यह बात बीते दिन सिवान पहुंचने के बाद कही थी। इन शहरों में आज घटे पेट्रोल डीजल के दाम। बिहार के अधिकतर जिलों में आज पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आई है। आज यानी मंगलवार को तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए जहां बिहार के कई शहरों में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम में कहीं कमी आई है तो कहीं कीमतें बढ़ी हैं। पटना के साथ साथ अररिया, कटिहार, लखीसराय, पूर्णिया, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा,
मधेपुरा रोहतास समेत 19 जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज गिरावट आई है। इसके बाद राजधानी पटना की बात करें तो यहां पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 24 पैसे, वहीं डीजल की कीमत 94 रुपये 4 पैसे मिल रहा है। एशिया कप 2022 के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट 2022 के लिए भारत ने अपने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। एशिया कप 2022 इसी महीने के अंत में शुरू होगा और 11 सितम्बर को टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। 28 अगस्त को एशिया कप में चीर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे। 27 अगस्त से 11 सितंबर तक एशिया का चैंपियन बनने के लिए 6 टीमें अपना सब कुछ झोंक देंगी। एशिया कप 2022 के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम कुछ इस प्रकार हैं। रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल उपकप्तान, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत विकेट कीपर, दिनेश कार्तिक विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कविता कुमारी, उमेश ऋषिदेव, राजकुमार प्रसाद, परवेज आलम, विक्रम बिहारी, बाबूलाल मरांडी, मनमोहन कुमार चौधरी, अर्जुन राम, श्रीकेश कुमार यादव, संतोष कुमार, संजीत कुमार सुमन, रंजीत मिश्रा, बिट्टू कुमार राज, सलीम भाई, सज्जन कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में जारी सियासी घटनाक्रमों को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।